पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं पुरी सी बीच के किनारे, और यहाँ पे घंटों मस्ती करने के बाद समय कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ के किनारे, और इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, वो बूढ़े, औरतें, सब मस्ती करते हुए समय कैसे गुजर गया और कैसे शाम हो गया पता नहीं चला। और ये हमारा सौभाग्य था कि वहाँ पर होने वाली जो संध्या आरती होती है, समुद्र आरती, उसका दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला, जो कि बहुत ही भव्य होता है और बहुत ही अच्छा होता है। और हजारों लोगों की भीड़ जुटती है समुद्र के किनारे इस आरती को देखने के लिए, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसका दर्शन करने के लिए। ख़त्म होने के बाद हम लोग चले आते अपने होटल, क्योंकि दूसरे दिन सुबह हमें जाना था दूसरे टूर पर, चिल्का लेक के टूर पर। तो दूसरे दिन सुबह हम पहुँच जाते हैं पूरी के बस स्टैंड में, जहाँ से हमें चिल्का के लिए बस लेनी थी, और बस का टिकट हमने पहले ही बुक करा दिया था, जिसका किराया 200 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, और लगभग 1.5 घंटे का सफ़र होता है। तो थोड़ी देर के बाद हमारे सफ़र शुरू हो जाती है चिल्का लेक के लिए, और लगभग 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं चिल्का लेक। चिल्का लेक में स्टैंड में उतरने के बाद हमारे लिए पहले से ही बोट की बुकिंग हो जाती है, तो बोट का जो किराया होता है वो शेयरिंग में होता है, 400 रुपये पर हेड, और 12 लोग एक नाव पे सवार होते हैं। तो हमारी नाव भी स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ से जाने के बाद हमने साइबेरियन पक्षियों का नज़ारा लिया, जो कि बहुत ही फेमस होता है, और इसको देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से ये पक्षी आते हैं किसी खास सीजन में, उसका फिर वापस चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें दिखाया गया वो मछलियों की फार्मिंग कैसे होती है, लाल केकड़ा और झींगा मछलियों की फार्मिंग कैसे होती है। यहाँ से, यहाँ के बाद हम लोग जाते हैं डॉल्फिन व्यू पॉइंट में, मगर दुर्भाग्य से आधे घंटे गुजरने के बाद भी हमें कोई डॉल्फिन नहीं दिखता, तो हम फिर वापस चले आते हैं एक टापू की तरफ, जहाँ पे हम देखने वाले थे लाल केकड़ा और मोतियों, मोती कैसे निकाला जाता है सीप से, जिंदा मोती, और मूंगा पत्थर जिसे कोरल स्टोन भी बोलते हैं, ब्लू मून स्टोन और लाल मूंगा पत्थर, ये सारी चीज़ें हमें दिखाने वाले थे यहाँ पर। और ये सारे जिंदा लाल केकड़ा जो भागने की कोशिश कर रहे थे, इन्हीं की फार्मिंग होती है चिल्का लेक में। तो थोड़ी देर के बाद हमें एक भैया मिलने वाले थे, जो हमें मोती निकाल के दिखाते और कोरल से पत्थर निकाल के दिखाने वाले थे। तो आगे का जो है उन्हीं से सुनते हैं फिर हम लोग। आप लोग ओडिया नहीं समझते हैं? नहीं, हिंदी में बता रहा हूँ, आप सुनिए और देखिए। ये सीप है, आप कौन बुझी पे सुनते हैं? ओडिया ओडिया हिंदी में बुझी पे सीप कहते हैं। उस तरफ समंदर होता है बंगाल का खाड़ी, वहाँ पे जो मछली के लिए जाते हैं, जाल लगाते हैं गहराई में, तो ये सब मछली का साथ आता है जाल में फंस के, और इसका अंदर मोती निकलता है जो हम यहाँ पे बेचते हैं। आपको दिखा रहा हूँ तो इसका पैसा नहीं लगेगा, अगर आप खरीदेंगे आपका इच्छा, आपको कोई जबरदस्ती नहीं। देखिए रिजनल मोती किस तरह से निकाला जाता है सीप के अंदर, किसी में होगा या हमें भी पता नहीं है, जिसमें मोती रहेगा कीड़ा में हाथ दबाने से कड़क लगेगा, तभी यह हमको पता चलेगा इसमें है या नहीं। और इसमें मोती कैसे बनता है आपको पता है जानकारी? तो जब सावन महीने में स्वाति नक्षत्र का बरसात होता है, बरसात का पानी इसका अंदर गिरता है, और ये कीड़ा में इसका लाला रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये खाता है मिट्टी बालू और चांद का रस में, तो उसका सिक्रेशन होके मोती बनता है। मोती को आप चांदी के अंगूठे में पहनते हैं, कान का बनाते हैं, माला वगैरह इसे बनाते हैं, वो शांति के लिए पहना जाता है, दिमाग ठंडा रखता है और गुस्सा कम करता है। कोई भी पहन सकते हैं, इनका कोई राशि का आवश्यकता नहीं होता। जो राशि वाला पत्थर होता है वो पहाड़ी वाला होता है, पर समुद्री वाला चीज़ें कोई भी पहन सकते हैं। एक मोती कितने का है? एक मोती का 450 का आता है, हम लोग यहाँ पे पीस का हिसाब में देते हैं, वो बड़ा छोटा का हिसाब से नहीं। आप बाहर जाके ज्वेलरी में खरीदते हैं, वहाँ पे आपको कैरेट का हिसाब में 1200-1500 से बेचते, पर यहाँ पे 450 रुपया एक मोती का, छोटा बड़ा जो होता डुप्लीकेट में हो। कौन सा खेती वाला चीज़ निकलता है?
होती है ओरिजिनल मोती पर्ल फोटो का शांति का मोती कहते हैं इसको, दिमाग ठंडा रखता है, गुस्सा कम करता है। चंद्रमा का मोती है ये, कोई भी पहन सकते है। तो चांदी का अंगूठा बनाते हैं, कान में पहनते हैं, गला में पहनते हैं। मार के देखा जाए मोती भांगे, जो असली मोती होगा ना उसको मार के देखते हैं तो मोती नहीं टूटेगा। अगर प्लास्टिक होगा तो टूट जाएगा, पर असली नहीं टूटेगा। देखिए जहाँ पे लगता है ना उसमें सब दाग हो जाता है, लेकिन मोती कुछ नहीं होता है, मोती जैसा है वैसे ही रहना है। जी भैया चाहिए मैं बैगें कहीं नहीं है तो भैया लास्ट 480 तो भाई साहब ने एक्सप्लेन किया मोती कैसे बनता है और कैसे निकाला जाता है। ओरिजिनल मोती है जिसे तोड़ने पे भी नहीं टूटता। कोरल जो होता है समंदर के नीचे मिलता है, समंदर में बहुत प्रकार का पेड़ और पौधा होता है, उसका नीचे स्कूबा डाइवर इसको निकाल के लाते हैं। जो लोग मुंह में लाइट और ऑक्सीजन पहन के अंदर जाते हैं ना वो लोग इसको निकालते हैं। और कोरल का पेड़ का नीचे मिलता है, और इसमें से दो कलर का पत्थर मिलता है, एक होता है लाल वाला कोरल जिसको आप मूंगा कहते हैं, और एक चंद्रकांत में मूंगा मिलेगा तो हम लोग के यहाँ पे 900 रुपये का देते हैं, चंद्रकांत मणि का 1500 रुपये। मूंगा को मंगल के लिए पहनते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट के लिए पहनते हैं, और चंद्रकांत मणि नवग्रह का पत्थर होता है, उसको नवग्रह शांति के लिए पहना भी जाता है, और आप इसको घर में पूजा भी कर सकते हैं। देखिए क्या मिलता है, आप देखिए लेना है नहीं लेना है कोई जोर नहीं, आपका इच्छा, आप खरीदो या ना खरीदो चलेगा। कोरल इसका नाम ना है कोरल चंद्रकांत मणि कहते हैं इसको। ए छुआ देखी वो है ये कौन कौन नवग्रह एटा नवग्रह पे पिंधा जाए आप कौन एटा को घरे भी पूजा भी करी पा लो देखी तो से फोटो पछर पड़ी गेलो किसो जी ए नन फोटो पछर पड़ी हो तो ये तो लाइट माने कोई अंधारे हो गया एटा भीतर के जिस बाहर जुल पाठ मुड़ा छोड़ दे आपण फ्लैश लाइट ऑन करन तो देखिबे फ्लैश लाइट ऑन करन मोबाइल को उल्टा करो फ्लैश लाइट ऑन करन मोबाइल को उल्टा करो फ्लैश लाइट ऑन कीजिए भैया और फ्लैश लाइट को ऊपर क्या नाम है पत्र का क्या नाम पत्र का बताया चंद्रकांत इंग्लिश में इसको ब्लू मून स्टोन भी कहते हैं चंद्रकांत मणि मणि नुह ये गोटे पत्थर किंतु मणि भाया चमक करके बेचेंगे। मान लीजिए हम इसका 1500 बता रहे हैं, आप ये ज्वेलरी वाले आपको वहाँ पे बताएंगे इसका एक रत्ती का कीमत 500 है, तो ये 10 रत्ती का है 5000, ऐसे बेचेंगे बहुत ऐसे। पर ये हम खुद निकालते हैं जाके समंदर में, इसीलिए आपको यहाँ पे कम पैसों में मिलता है। बाहर जाके बेचने के लिए हमको टैग चाहिए, पर इसको मिलता नहीं है क्योंकि एक सी एनिमल होता है, इसको मारना गैरकानूनी होता है, इलीगल होता है, इसीलिए गवर्नमेंट हमको टैग नहीं देता, नहीं हम भी जाके बाहर बेच सकते ज़्यादा पैसों से।